आज के हमारे जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया देखना, जनरल करेक्टर हम लोग देख चुके हैं इसके, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। तो इसमें लिखो, लिखो इसमें क्लास रेप्टिलिया में, क्लास रेप्टिलिया में लगभग 7000 स्पीसीज, लगभग 7000 लिविंग स्पीसीज, जीवित स्पीसीज लगभग 7000 लिविंग स्पीसीज और मैनी, बहुत सारी और मैनी एक्सटिंक्ट बोले तो विलुप्त, और बहुत सारी विलुप्त स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, को इंक्लूड किया गया है, को इंक्लूड किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा क्लास रेप्टिलिया को टोटल 16 ऑर्डर, ORDER, टोटल 16 ऑर्डर मतलब 16 ऑर्डर में, टोटल 16 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से सिर्फ 4 ऑर्डर में, ये पॉइंट याद रखना, जिसमें से सिर्फ 4 ऑर्डर में लिविंग स्पीसीज, दैट मीन्स जीवित स्पीसीज, जीवित जो प्रजाति है वो सिर्फ 4 ऑर्डर में पाई जा रही है। बाकी के जो आपके बच गए, ठीक है, बाकी के जो 12 ऑर्डर आपके बचते हैं, राइट, तो इस 12 ऑर्डर में सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इस बात को समझिए, तो यहां पर सिर्फ लिविंग स्पीसीज कितनी बची है, 4 ऑर्डर में रखी गई है, और ये लिविंग स्पीसीज है ये कितनी, टोटल 7000 है, यानी कि टोटल अगर एक्सटिंक्ट स्पीसीज को भी जोड़ा जाए तो बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर खोजी जा चुकी थी, ठीक है, लेकिन कुछ विलुप्त हो गई हैं, कुछ क्या बहुत सारी विलुप्त हो गई हैं, और कुछ स्पीसीज अभी बकाया है, तो उन स्पीसीज के बारे में पढ़ना। अभी यहाँ पर ये देखिए 7000 स्पीसीज को पढ़ना, 7000 स्पीसीज को एक साथ डिस्कस करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो कई स्पीसीज से रिलेटेड है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि जो लिविंग स्पीसीज है वो किस में, कितने ऑर्डर में रखी गई है, 4 ऑर्डर में रखी गई है। तो लिखो आगे, पहले से लिखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जो मॉडर्न टाइप का वर्तमान समय का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसकी बात करी जा रही है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लास रेप्टिलिया को कुछ मेन कैरेक्टर के आधार पर या बेसिस पर, कुछ मुख्य लक्षणों के आधार पर, मेन कैरेक्टर के बेसिस पर 5 सब क्लासेस में, 5 सब क्लासेस, 5 सब क्लासेस में, 5 सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। आगे लिखें, जिसमें मुख्यतः
जिसमें मुख्यतः दो प्रकार की सब क्लासेस, टू टाइप की सब क्लासेस, जिसमें मुख्यतः दो प्रकार की सब क्लासेस, टू टाइप की सब क्लासेस, टू टाइप की सब क्लासेस में, टू टाइप की सब क्लासेस में लिविंग स्पीसीज को, यानी जीवित प्रजातियों को इंक्लूड किया गया या रखा गया, जीवित प्रजातियों को रखा गया है, जीवित प्रजातियों को रखा गया है। जैसे पहली जो सब क्लास, अगर हम लोग यहां बात करें, सब क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कितनी क्लासेस दी गई, पांच में जो दो सब क्लासेस है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इसी में ही आपकी क्या रखी गई, लिविंग स्पीसीज को इंक्लूड किया गया। बाकी की जो क्लासेस है उसके अंदर जो स्पीसीज पाई जाती थी वो विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब नहीं पाई जाती। ठीक है, तो पहली जो सब क्लासेस को हम लोग बोलते हैं एनेप्सिडा, एनेप्सिडा, ANAPSIDA, और दूसरी जो सब क्लास है ये है आपकी डाइएप्सिडा, एनएप्सिडा, डाइएप्सिडा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इस क्लास में क्यों लिविंग स्पीसीज पाई जा रही है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दो, सब क्लास एनएप्सिडा, सब क्लास एनएप्सिडा। हम लोग सब क्लास एनएप्सिडा पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लो। तो इसमें लिखे हैं, इस सब क्लास में प्रिमिटिव मींस आद्य प्रकार के, इस सब क्लास में प्रिमिटिव रेप्टाइल्स को रखा गया है, इस सब क्लास में प्रिमिटिव रेप्टाइल्स को रखा गया है, जिनमें सॉलिड स्कल, यानी कि कठोर स्कल, खोपड़ी जो स्कल है वो कैसी है, सॉलिड है, जिनमें सॉलिड स्कल पाया जाता है, जिनमें सॉलिड स्कल पाया जाता है, तथा हेड रीजन में टेम्पोरल ओपनिंग यानी कि टेम्पोरल रीजन हम कह सकते हैं, टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होती नहीं पाई जाती, उनके हेड रीजन में टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ऐसे लिखो, इस सब क्लास में मुख्यतः, ये बात याद रखना, इस सब क्लास में मुख्यतः ओनली, इस सब क्लास में मुख्यतः केवल एक ऑर्डर, ओनली वन ऑर्डर, केवल एक ऑर्डर कीलोनिया, केवल एक ऑर्डर कैलोनिया, CHELONIA, किलोनिया, केवल एक ऑर्डर किलोनिया को रखा गया है, NIA, किलोनिया को रखा गया है। तो ये किलोनिया ऑर्डर है, ये सिर्फ एक ऑर्डर यहाँ पर इंक्लूड किया गया, कहाँ पर, सब क्लास एनएप्सिडा के अंदर। इसे एनएप्सिडा क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इसके हेड रीजन में जो टेम्पोरल ओपनिंग होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है, और जो टेम्पोरल रीजन होता है वो एक ही होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो एक ऑर्डर यहां पर जो दी गई वो कौन सी है, किलोनिया है, तो हेडिंग डाल दो ऑर्डर किलोनिया CHELONIA लिखो उसमें, ऑर्डर किलोनिया में पहला पॉइंट, इस ऑर्डर के सदस्य,
यानी कि इस ऑर्डर में जितने भी सदस्य रखे गए वो इस ऑर्डर के सदस्य टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय टेरेस्ट्रियल कामा मैराइन मीन समुद्र में रहने वाले टेरेस्ट्रियल बोले तो स्थल पर रहने वाले मैराइन बोले तो समुद्र में रहने वाले ठीक है टेरेस्ट्रियल कामा मैराइन या फ्रेश वाटर में भी आपका ये पाया जाते हैं या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं में पाए जाते हैं ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखें इनके बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बॉडी को घेरे हुए कवर किए हुए इनके बॉडी को घेरे हुए एक बोन आर्मर अस्थिर कवच आर्मर मीन्स कवच इनके बॉडी को घेरे हुए एक बोन आर्मर दैट मीन्स बॉडी कवरिंग कह सकते हैं आर्मर मतलब कवच एक अस्थि का बना हुआ दैट मीन्स एक बोन का बना हुआ कवच राइट एक बोन आर्मर पाया जाता है एक अस्थिर कवच पाई जाती है पाया जाता है जिसके डॉर्सल रीजन को यानी कि जो आर्मर है यानी कि जो कवच है इसका जो ऊपरी वाला भाग होगा उसको ये ऊपरी वाला भाग जो होगा उसकी बात करी जा रही है जिसके ऊपरी भाग को या डॉर्सल पार्ट को कैरापेज CARAPAGE ऊपरी भाग को कैरापेज व निचले भाग को निचले कह रहे हो तो वेंट्रल पार्ट दैट मीन्स निचले भाग को प्लास्ट्रॉन PLASTRON प्लास्ट्रॉन कहते हैं जिसके ऊपरी भाग को कैरापेस तथा निचले भाग को दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं वेंट्रल पार्ट को प्लास्ट्रॉन कहते हैं ठीक है। अच्छा बच्चों ये मैं बात किसी कर रहा हूं तो आप बात याद रखें ये मैं बात कर रहा हूं टर्टल की कछुआ जो कछुआ है वो एक रेप्टाइल ही है ठीक है उसको यहां पर रखा गया है ऑर्डर किलोनिया में और ये ऑर्डर किलोनिया सब क्लास आपकी आती है एनाप्सिडा कहां आती है एनाप्सिडा में तो उसको याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं कछुए की तो कछुए की आपने इसकी मतलब कछुए को देखा होगा तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है ठीक है ये किसका बना होता है बोन्स का बना होता है और ये बोन्स का बना हुआ एक कवच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके डॉर्सल रीजन को हम लोग बोलते हैं कैरापेज और वेंट्रल रीजन या वेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लास्ट्रॉन ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इन एनिमल्स में सरंगी चोच मतलब कछुए का आपने जब माउथ देखा होगा तो कुछ बाहर जब वो प्रोस्टेट करता निकलता है बाहर की तरफ कवर के बाहर की तरफ जब वो अपना माउथ निकालता है तो आपने देखा होगा उसका माउथ कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप से होता है लाइक ऐसे करके होता है ना तो ये जो माउथ है ये सरंगी चोच दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहां पर कि इनमें जो हॉर्नी बीक लाइक होता है सरंगी चोच दैट मीन्स हॉर्नी HORNY और दी बीक बीक मीन्स चोंच हॉर्नी बीक सरंगी चोंच के समान इन एनिमल्स में सरंगी चोंच के समान जबड़े माउथ जबड़ों पर ही डिपेंड होता है इनमें जो जबड़ा पाया जाएगा सरंगी चोंच के समान जबड़े जॉस जबड़े पाए जाते हैं जबड़े पाए जाते हैं तथा इनमें यानी कि जो जबड़े हैं इनमें टीथ बोले तो दांत तथा इनमें टीथ दांत एब्सेंट हो गए तथा इनमें टीथ एब्सेंट होते हैं
टीथ एब्सेंट होता है, यानी दांत में नहीं पाए जाते, इस बात को याद रखना। टीथ यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन एनिमल्स में, ये पॉइंट बड़ा खास है, इन एनिमल में, और ये समझ में भी आएगा आपको, इन एनिमल में नेक, नेक या इन एनिमल के नेक कॉमा लिम्स, ये जो पैर है, पाद है, लिम्स व टेल, पूंछ, इन एनिमल्स के नेक कॉमा लिम्स व टेल रीजन पर, टेल भाग पर, स्केल्स बोले तो शल्क कवरिंग, एक तरीके से स्किन को, स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली शल्क, दैट मींस स्केल्स, पाए जाती हैं, पाए जाते हैं, तथा इन तीनों भाग को, हम बात करते हैं नेक लिंब और टेल की, तथा इन तीनों भाग को कैरापेस के अंदर, इन तीनों भाग को कैरापेस के अंदर खींचा जा सकता है, तथा इन तीनों भाग को कैरापेस के अंदर खींचा जा सकता है, यानी कि आप जानते हैं जैसे ही आपको टर्टल दिखाई देता है, आप उसके ऊपर ऐसे ठोकर मारते हैं या किसी पत्थर को मारते हैं, तो क्या करता है, फट से अपने ये जो पोर्शन है, जो काफी सॉफ्ट हम कह सकते हैं, नेक लिम्ब टेल है, ये क्या करता है, इन पोर्शन को, इन पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट को कैरापेज के अंदर खींच लेता है, ठीक है, और ये उसी के अंदर दुपक के रहता है अच्छे से प्रोटेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें थोरेसिक वर्टिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक वर्टिब्रा बोले तो ये ऊपर वाला रीजन, तो ये जो थोरेसिक रीजन है, इसमें जो बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाए, तो वर्टिब्रल कॉलम जो नेक से लेकर यहाँ से नेक वाले रीजन से लेकर के और ये पीछे, यहाँ कह सकते हैं इस वाले रीजन तक, यहाँ तक जो पाई जाती है, दिस वर्टिब्रा आर आल्सो कॉल्ड एज थोरेसिक वर्टिब्रा एंड दिस रीजन आर आल्सो कॉल्ड एज थोरेसिक रीजन, राइट। सो यहाँ पर मैंने बताया इनमें थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा व थोरेसिक वर्टिब्रा, दैट मींस वक्षीय कशेरुका व रिब्स, रिब्स, रिब्स बोले तो पसलियां, थोरेसिक वर्टिब्रा व रिब्स, पसली, कैरापेज के द्वारा, दैट मींस ये डॉर्सल सरफेस है, कैरापेज के द्वारा, कैरापेज के द्वारा जुड़ी रहती है, कैरापेस के द्वारा जुड़ी रहती है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनमें एक वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को, इनमें एक वर्टिकल, वर्टिकल दैट मींस अनुदैर्ध्य, वर्टिकल अनुदैर्ध्य, वर्टिकल करना मतलब इस तरीके से खड़ा खड़ा, इनमें एक वर्टिकल क्लोकल अपर्चर, सी एल ओ ए सी ए एल, क्लोकल अपर्चर मींस पोर, गड्ढा, इनमें एक वर्टिकल क्लोकल अपर्चर पाया जाता है, जो जो रेस्पिरेशन, दैट मीन श्वसन, जो रेस्पिरेशन, दैट मीन श्वसन में सहायता करता है, में सहायता करता है, तथा ऐसे रेस्पिरेशन को, तथा ऐसे रेस्पिरेशन को क्लोकल रेस्पिरेशन, तथा ऐसे श्वसन को क्लोकल श्वसन, क्लोकियल श्वसन या क्लोकल रेस्पिरेशन कहते हैं, तथा ऐसे श्वसन को क्लोकल रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है,
इन सदस्यों में या इन सदस्यों के या मेंबर के मेल में, यानी कि जो मेल वाला पोर्शन है या मेल जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है उसकी बात करें, मेल स्ट्रक्चर की बात करें, इन सदस्यों के मेल में केवल ओनली वन कॉपुलेटरी ऑर्गन, केवल एक कॉपुलेटरी ऑर्गन, मैथुनी अंग जिसको हम लोग बोलते हैं, केवल एक कॉपुलेटरी ऑर्गन मैथुनी अंग पाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें पेयर्ड फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, पेनिस पाया जाता है, पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। लेकिन हमारा क्या चल रहा है, हमारा यहाँ पर जो एम्फीबिया के अंदर हम लोगों ने बात की थी, और रेप्टाइल्स में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें दो कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टर्टल की, बात करेंगे तो टर्टल में सिर्फ वन कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, यह टेट्रापोडिक कहने का मतलब चतुष्पादकीय है, दैट मींस फोर यहां पर क्या होंगे, लिम्स होंगे, डेफिनेटली हम लोग टेट्रापोड पढ़ रहे हैं, टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं क्लास, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, चार लिम्स पाए जाएंगे, या टेट्रापोडिक, टी ई टी आर टेट्रा पी ओ डी आई सी पोडिक, चतुष्पादकीय या टेट्रापोडिक एनिमल होते हैं, यह टेट्रापोडिक एनिमल होते हैं जिसके प्रत्येक लिंब में, जिसके प्रत्येक लिंब्स में फाइव फिंगर पांच उंगलियां, जिसके प्रत्येक लिंब में फाइव फिंगर पाई जाती हैं, जिसके प्रत्येक लिंब में फाइव फिंगर पांच उंगलियां पाई जाती हैं, और इनमें लोकोमोशन लिम्स, और इनमें लोकोमोशन लिम्स तथा पैडल के द्वारा होता है, PADLE पैडल के द्वारा होता है। अगर टर्टल कहाँ होगा, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाया जाएगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल दैट मींस स्थलीय रीजन में पाया जाएगा, तब ये लिम्स के थ्रू क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा, अपने लिम्स को बाहर निकालेगा, उसके थ्रू ये चलता चलता आगे बढ़ता है धीरे धीरे। कछुआ खरगोश की कहानी सुनो यार। और पैडल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि इसके जो लिम्स होते हैं, इसी में ही आप बतख देखे होंगे तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर घेरे रहता है, फिंगर जो होती है वो एक दूसरे से अटैच रहती है, जो कि किसमें हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, स्विमिंग करने में हेल्प कराती है। तो मैंने बताया कि टेट्रापोडिक होते हैं, इनमें लिम्स के अंदर फाइव फिंगर पाई जाती हैं, लोकोमोशन लिम्स या पैडल के द्वारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए लास्ट, यह एनिमल ओवीपेरस अंडज होते हैं, ओहो ये अंडे देते हैं, हाँ भैया, यह एनिमल ओवीपेरस दैट मींस उसको बोलते हैं अंडज होते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना, ठीक है, तो छोटी छोटी का तो एग्जाम्पल जरा सी उसमें लिख लो, पहला टेस्ट्यूडो, तो यहाँ पर टेस्ट्यूडो जो है वो एक टाइप का हम कह सकते हैं टर्टल है, ठीक है, जो कि आपका टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, कहाँ, जो कि आपका टेरेस्ट्रियल कंडीशन में स्थलीय स्थानों पर पाया जाता है, तो टेस्ट्यूडो ये कहां मिलता है आपको, ये मिलता है टेरेस्ट्रियल टर्टल, ये एक्चुअल में क्या है, टेरेस्ट्रियल टर्टल स्थलीय कछुआ, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। और एक और लिख लो, कीलोन, कीलोन, C H E L O N, कीलोन,
ये आपका समुद्री कछुआ है, मैराइन टर्टल, मैराइन टर्टल। और एक और लिख लो, ट्राइओनिक्स, ट्राइओनिक्स। इसके अगर लोग बात करें तो ये रिवर्स में पाया जाता है, रिवर टर्टल। और एक खास बात और है, कुछ ह्यूमन जो हैं इस रिवर टर्टल को खाते भी हैं, दैट मींस इट इज एडिबल। ये एडिबल टर्टल है, खाने योग्य। तो ट्राई करना कभी आप लोग उसको खाने का, ठीक है। तो ये क्या है, एडिबल, खाने योग्य होता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ एग्जांपल है, तो आप याद रखना। और एक बात यहाँ पर और याद रखना कि लार्जेस्ट टर्टल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट टर्टल है उसको हम लोग बोलते हैं लेदर बैक टर्टल, जो सी टर्टल है, दैट मींस मैराइन में पाया जाता है, लेदर बैक टर्टल। इसको लिख लो, स्टार बना के लिख लेना, लेदर बैक टर्टल। तो जो लेदर बैक टर्टल है, इट इज अ लार्जेस्ट टर्टल इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कछुआ जो है वो लेदर बैक टर्टल है, जिसके वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट जो इसका है वो 900 किलोग्राम के आसपास है, या 900 टू 1000 किलोग्राम, राइट। तो 1000 के आसपास हम कह सकते हैं, तो 900 इज अ वैल्यू ऑफ सिमिलर, 1000 और 900 से कम नहीं होता है। तो 900 किलोग्राम का क्या है, यहाँ पर एक कछुआ पाया जाता है जो कि लार्जेस्ट टर्टल है। क्या नाम है, लेदर बैक टर्टल, या हम कह सकते हैं टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो इसकी एक स्पीसीज है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर लेदर बैक टर्टल आप याद रखिए, लेदर बैक टर्टल है ये लार्जेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड, दैट मींस मैराइन का लार्जेस्ट टर्टल माना जाता है, राइट। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ऑर्डर फर्स्ट। इसके बाद में हेडिंग डाल दो, सब क्लास डाई एप्सिडा। तो सेकेंड हमारी सब क्लास कौन सी है, डाई एप्सिडा। तो डाई एप्सिडा में लिखा फटाफट, इस सब क्लास में उन रेप्टाइल्स को इंक्लूड किया गया है, इस सब क्लास में उन रेप्टाइल्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें सॉफ्ट स्कल, SOFT, सॉफ्ट स्कल खोपड़ी, जिनमें सॉफ्ट स्कल पाया जाता है, तथा इनके हेड रीजन में तथा इनके हेड रीजन में माउथ के दोनों ओर बोथ साइड एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी टेम्पोरल फोसा, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग। फोसा मींस पॉलिटिकल टर्म में इसको बोला गया है ओपनिंग, टेम्पोरल फोसा या ओपनिंग अरेंज होती, टेम्पोरल फोसा या ओपनिंग अरेंज होती है। तुमने क्या बोला, इस सब क्लास में उन रेप्टाइल्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें सॉफ्ट स्कल पाया जाता है, ठीक है, जिनमें सॉफ्ट स्कल पाया जाता है, तथा हेड रीजन के माउथ के दोनों ओर, हेड रीजन के माउथ के दोनों ओर वन पेयर टेम्पोरल फोसा या ओपनिंग स्थित होती है या पाई जाती है, ठीक है। नई लाइन से लिखे हैं, सब क्लास डाईएप्सिडा में, सब क्लास डाईएप्सिडा में मुख्यतः मेनली तीन ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है,
तीन ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। तो पहला ऑर्डर यहां पर है ऑर्डर फर्स्ट, जिसका नाम दिया गया है रिंकोसिफेलिया। ऑर्डर फर्स्ट रिंकोसिफेलिया, आर एच वाई एन सी एच ओ रिंकोसिफेलिया, सी ई पी एच ए एल ई ए रिंकोसिफेलिया, पी एच एल आई ए रिंकोसिफेलिया, पी एच ए एल आई ए, ठीक है। ऑर्डर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर सेकंड आपका यहां पर दिया गया है स्क्वायमेटा, यस क्यू यू एम ए टी ए स्क्वामेटा, एस क्यू यू ए एम ए टी ए, थोड़ा स्पेलिंग सही लीजिएगा, एस क्यू यू ए एम ए टी ए स्क्वायमेटा। एंड ऑर्डर थर्ड, ऑर्डर थर्ड जो यहां पर दिया गया है उसका नाम है क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया डायरिया, डी आई एल आई ए क्रोकोडिलिया। तो यहां पर पहला ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया, दूसरा ऑर्डर है स्क्वायमेटा और तीसरा ऑर्डर है क्रोकोडिलिया, ठीक है। ये तीन ऑर्डर आपके कहां इंक्लूड किए गए हैं, सब क्लास डाइएप्सिडा के अंतर्गत।